यस स्टूडेंट्स, कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में मैंने आपको सारा डिटेल में बताया था। आपने से एक स्टूडेंट ने इसके डेरिवेशन के बारे में पूछा है कि डेरिवेशन ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। ये देखो, ऊपर जो दो डायग्राम्स बने हुए हैं, ये जो दो डायग्राम्स बने हुए हैं ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है स्कैटर डायग्राम, ठीक है। स्कैटर डायग्राम हमें शो करता है कि कितनी डिग्री ऑफ कोरिलेशन है सिर्फ डायग्राम को देखने से ही। तो आप देख रहे हो कि अगर हम डायग्राम को ही देखें सिर्फ, तो हमारे पास देखो सारे के सारे डॉट्स यहाँ स्कैटर हो गए, ठीक है। और अगर हम यहाँ देखें तो ये कितने वाइडली डिस्पर्स्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि सारे के सारे इकट्ठे हैं, देखो सारे के सारे नियर बाय हैं, तो इसका मतलब है कि दे आर स्ट्रोंगली कोरिलेटेड, हाईली कोरिलेटेड, देयर इज ए हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये डिस्पर्स्ड हैं, सो देयर इज ए लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द वेरिएबल्स, ठीक है। उनके बीच में कोरिलेशन पुअर है, उसमें जो डिग्री है कोरिलेशन की वो पुअर है, ओके। सो ये जो है हमने स्कैटर डायग्राम से बताया हुआ है। अब मैं कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के डेरिवेशन की बात कर रही हूँ। तो देखो स्टूडेंट्स, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में मैंने आपको जो फार्मूला बताया है, दिस इज अगेन नथिंग बट आपके पास है स्मॉल आर एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। अब आप इस कोवेरियंस को खोल लो, ठीक है। ये देखो कैसे खोला है मैंने यहाँ से, आप इसको खोल लो। अगर खोलते तो कैसे खुलेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ वाई, यही फार्मूला होता था, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स इसको अंदर पूरा खोल लो, ठीक है। आप पूरा खोलते हो तो अगर एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स को हम देखें, और एक्सपेक्टेड एक्स बार होता है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, समेशन पूरा कर लेंगे, तो ये आपके पास ये फार्मूला जो है वो ये बनता है एक्चुअली ये, ठीक है। तो इस चीज़ को जो हमने बताया है, तो यहाँ पे से खोल लो। अब ये एक्सपेक्टेड को अंदर ले जाओ, जब आप अंदर ले जाओगे तो एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स इंटू एक्सपेक्टेड ऑफ वाई माइनस वाई इंटू एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स, इसको आप खोलते हो, दोनों कट जाएंगे, आपके पास जो बचेगा वो ये बचेगा, दिस इज कोवेरियंस, ठीक है। तो ये आपके पास कोवेरियंस का ये आ गया। अब जब हमने इसको यहाँ से किया, तो अब नेक्स्ट कोवेरियंस की वैल्यू आ गई है। सिमिलरली आप सिग्मा एक्स स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, और सिग्मा वाई स्क्वेयर की। ये आपके पास सिग्मा एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आती है, ये आपके पास सिग्मा वाई स्क्वेयर की वैल्यू आती है। बस इतना आपने करना है, क्योंकि अगर हमें कोवेरियंस पता चल गया, सिग्मा एक्स स्क्वेयर सिग्मा वाई स्क्वेयर पता चल गया, तो हमें आर पता ही है। आर क्या होता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वेयर इंटू सिग्मा वाई स्क्वेयर, ठीक है। सो ये था इसका डेरिवेशन। देखो अब इसके साथ ही जो लिमिट्स भी हैं, लिमिट्स अगर फाइंड आउट करनी आपने देखनी है, तो आप लिमिट्स भी देख सकते हैं। लिमिट्स फॉर कोरिलेशन कोफिशिएंट आप स्मॉल आर एक्स वाई, जो मैंने अभी पीछे कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई को कैलकुलेट किया तो ये आया, और अगर मैंने डिनोमिनेटर में आपके पास जो है मीन्स डिनोमिनेटर में अगर हमने इसको देखा, ये आया है ना, तो आप इसकी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर लो। अब इसकी वैल्यूज़ को पुट करके आप इसका स्क्वेयर कर दो। अगर हम स्क्वेयर करते हैं, ठीक है, अगर मैं इसका ये स्क्वेयर कर रही हूँ, तो इसके स्क्वेयर के बाद आप ये वैल्यू एक्स आई माइनस एक्स बार को ए आई, वाई आई माइनस वाई बार को आप ए भी पुट कर दो, तो आपके पास जो वैल्यू आएंगी वो आपके पास जो है इस तरह से ये वैल्यू आएगी, ठीक है। अब ये जो आपके पास वैल्यू आई है, ये है आर स्क्वेयर की, ठीक है। तो अब हम श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी से, जो हमारे पास श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी है, उससे ये हमें पता चलता है कि अगर ए आई और बी आई रियल क्वांटिटीज़ हैं, तो उनका स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू उनके इंडिविजुअल के प्रोडक्ट के, मीन्स ए आई के ए आई स्क्वेयर इंटू बी आई, उनके प्रोडक्ट से लेस या इक्वल होता है। इक्वल कब होगा, अगर हमारे पास ये कंडीशन लगेगी, अगर हमारे पास ये कंडीशन लगेगी, ठीक है। अगर हम इसको इक्वल के साइन करें, तो हमारे पास ये आर स्क्वेयर एक्स वाई लेस देन इक्वल टू वन आता है। स्क्वेयर है हमारे पास, इसका मोड ले लेंगे, मोड ले लेंगे तो उसका मोड से हमारे पास क्या है कि उसकी जो लिमिट है वो माइनस वन लेस देन इक्वल टू आर एक्स वाई लेस देन इक्वल टू वन। सो दिस इज द लिमिट ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट की, हमेशा जो है वो लाई करेगा माइनस वन एंड वन के बीच में। और अगर आर एग्जैक्टली प्लस वन है तो कोरिलेशन कोफिशिएंट परफेक्ट है, अगर वो माइनस वन है तो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है परफेक्ट तो है ही, साथ में नेगेटिव भी है, नेगेटिवली परफेक्ट है,
ठीक है, ये है। अभी एक स्टूडेंट ने मेरे से प्रॉब्लम पूछी थी, श्वाज इनइक्वालिटी, सॉरी प्रोबेबल एरर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब प्रोबेबल एरर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है? देखो, क्योंकि हम कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कोरिलेशन कोफिशिएंट की अगर मैं बात करती हूँ, तो आपके पास जो है इसको मैं आपको बताती हूँ करके, चलो आप इतने में ही देखो कि प्रोबेबल एरर जो है, यानी प्रोबेबल एरर जो कोरिलेशन कोफिशिएंट आर है, ठीक है। अब इस आर का अगर मैं स्टैंडर्ड एरर देखती हूँ, स्टैंडर्ड एरर ऑफ दिस आर, तो ये मेरे पास क्या है, इसका फार्मूला होता है 1 - r² डिवाइड बाय स्केयर रूट ऑफ n। तो ये फार्मूला है स्टैंडर्ड एरर ऑफ आर का, ठीक है। तो प्रोबेबल एरर ऑफ आर का मतलब क्या है, प्रोबेबल एरर ऑफ आर जो हम अभी यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, प्रोबेबल एरर इज नथिंग बट इट इज दी, ये प्रोबेबल एरर ये है कि अगर उसको 0.6745 से मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ स्टैंडर्ड एरर से, तो मेरे पास वो प्रोबेबल एरर आ जाती है। पॉइंट है ये 0.6745 क्या है, 0.6745 क्या है कि अगर हम कोई भी नॉर्मल कर्व लेते हैं, देखो ये नॉर्मल कर्व होता है ना हमारा, तो इसकी मीन वैल्यू जो है हमारे पास ये मीन आती है ये सेंटर की। तो अगर मैं इसका आगे +1, +2, +3 के अप्रॉक्सीमेटली क्लोज कर जाता है, -1, -2, -3, तो अगर मैं इसका 0.67 देखूं, तो 50% एरिया मेरा जो है वो 0.6745 में कवर हो जाता है। तो इसलिए हम मोस्टली एरर्स को क्या कह देते हैं कि वो 0.6745 से अगर मैं स्टैंडर्ड एरर को मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो मेरी प्रोबेबल एरर आ जाती है, ठीक है। अगर मेरा स्मॉल आर लेस देन इक्वल टू ये प्रोबेबल एरर होगा तो कोरिलेशन कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है। अगर ग्रेटर होगा तो प्रोबेबल एरर सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोबेबल एरर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, ओके। सो ये थोड़े से दो टॉपिक्स जो हैं स्टूडेंट्स ने पूछे थे उनके मैंने आपको बता दिया है, ये इसका कोरिलेशन का